हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लखा डिफेंस करियर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम ये बात करेंगे कि आपकी INS सिल्का पर ज़्यादातर ट्रेनिंग को कौन से ब्रांच से रिलेटेड किया जाता है ना। नेवी SSR में काफ़ी सारे ब्रांच होता है, तो ज़्यादातर ट्रेनिंग को कौन से ब्रांच से रिलेटेड किया जाता है, और ऐसे कौन से ब्रांच है जो सिर्फ कुछ कैंडिडेट को ही अलॉटेड किया जाता है। तो इस वीडियो पर हम सारे बात करेंगे, तो डेफिनेटली वीडियो लास्ट तक बना रहिए। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेवी SSR में जितने भी सारे ब्रांच होते हैं उनका वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है ना। चाहे वो मेडिकल ब्रांच है, चाहे वो कम्युनिकेशन ब्रांच है, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच है, लेकिन उनका जो सैलरी एंड प्रमोशन वैसे ही रहता है ना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेडिकल ब्रांच हो तो ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा, ज़्यादा सैलरी वैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है। सैलरी सबका एक रहेगा और उनका जो फास्ट रैंक रहेगा वो नाविक ही रहेगा। तो INS सिल्का में ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी जो 22 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होगा, उस दौरान आपको 2 एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में अगर आप जैसे आपको परफॉर्मेंस रहेगा वैसे ही आपको ट्रेड अलॉटेड किया जाएगा। जैसे आपकी ज़्यादातर ट्रेनिंग को ये देखा गया कि आपकी 60-70% ट्रेनिंग को सीमैन ब्रांच अलॉटेड किया जाता है ना। नेवी SSR में ज़्यादातर सीमैन ब्रांच का ही काम होता है। पहले होता है सीमैन, उसके बाद आपकी आता है मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर कम्युनिकेशन, इस तरह से ब्रांच अलॉटेड किया जाता है। सबसे जो फ्यू कैंडिडेट को ही मेडिकल असिस्टेंट की ब्रांच अलॉटेड किया जाता है, और उसके साथ एविएशन ब्रांच भी है ना। जो मेडिकल असिस्टेंट ब्रांच है और उसके साथ ये जो एविएशन ब्रांच है, सिर्फ फ्यू कैंडिडेट को ही ये ब्रांच अलॉटेड किया जाता है, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा आपकी रिटर्न एग्जाम में, जो INS सिल्का में कंडक्ट होगा। और ज़्यादातर 60-70% कैंडिडेट को तो सीमैन ब्रांच अलॉटेड किया जाता है, और 10-15% कैंडिडेट को आपकी कम्युनिकेशन ब्रांच है, 15-20% कैंडिडेट को उनको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इस तरह से ब्रांच अलॉटेड किया जाता है। लेकिन आपकी सैलरी एंड प्रमोशन वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, आपकी जो पहली रैंक रहेगा नाविक है ना। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जो भी आपको मौका मिला इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए वो सबसे बड़ी बात है। तो इस वीडियो पर इतना ही। अभी रुकते, जय हिंद जय भारत।